मैं ही कहूँगा कि फिल्में बन जाया करती हैं और प्यार हो जाया करता है, ठीक है। तो इसमें जो है अभी पता नहीं बच्चा क्या पैदा होगा, लड़का और या लड़की, दो में से ही होगा, तीसरा कुछ नहीं होगा, दो में से ही होगा। तो अब वो क्या होगा ये पता नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल हम जो फैमिली बना के बैठे हैं इसका मेरी क्या है, मेरी ख्वाहिश, तो इसमें इसका एक अंग जो है वो कल को चल के मैं उसकी आत्मा बनता हूँ, उसका दिल बनता हूँ, उसका दिमाग बनता हूँ, या उसके पैर बनता हूँ, पता नहीं क्या बने। लेकिन फिलहाल नाम इसका लोहा सिंह है, लेकिन अंदर से जो लोहा नहीं है, आप समझ रहे, नाम इसका लोहा सिंह, क्योंकि लोहा सिंह जो मैं प्ले किया, मैंने कैरेक्टर लोहा सिंह, वो सारी दुनिया में लोगों ने एक्सेप्ट किया उसको, और उसके पास सब कुछ था, साम दाम दंड भेद, इसके पास भी सब कुछ है लोहा सिंह के पास, लेकिन ये वो लोहा सिंह है कि जिसका नाम लोहा है, लेकिन ये सबकी सबकी मदद करता है, ये पॉजिटिव सामाजिक कैरेक्टर है, ये समझता है कि भाई ठीक है, हम लोगों को किसी जात पात से नहीं तोला जाएगा, हम लोगों को किसी पासबुक से नहीं तोला जाएगा। इसलिए इंग्लिश में कहावत है, मनी इज ए वेरी लाउजी मीन्स ऑफ जजिंग ए पर्सन। तो ये इस किस्म का कैरेक्टर है, अभी कल को निकलेगा क्या पता नहीं। देखिए मेरे ऊपर अगर ये इनके माध्यम से एक कैमरामैन लाइट अच्छी डालेगा तो मैं अच्छा लगूंगा, लाइट अच्छी नहीं डालेगा तो मैं अच्छा नहीं लगूंगा। इट ऑल डिपेंड्स ना, ये सारा टीम गेम है सारा। सो वो कल को पता, कल को क्या निकलता पता नहीं, पर फिलहाल ये है मेरा कैरेक्टर। बाकी जो है मैं अभी तो कुछ बोल नहीं सकूंगा, जब चीज बन जाएगी और अगर यहाँ पर आपने फिल्म देख ली होती तो फिर हम डिस्कस कर सकते थे कि कैसी बनी है। सर आपको कुछ कहेंगे सर से मिलकर फर्स्ट टाइम मिले थे, ऐसा फील होता था कि हम 4-5 साल से मिलते हैं और बहुत अच्छे हैं, इंडस्ट्री में ग्रेट आदमी है और हमारे सर पे हाथ रखा है, इन्होंने आशीर्वाद दिया है कि बेटा कुछ कर, तो मैं इनके दुआ से आज मैं यहाँ पे बैठा इनके साथ। जी मैं इनसे फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ अभी और मुझे बहुत खुशी हो रही है इनसे मिलकर। और इस मूवी में मिल रही है, फिल्में तो बहुत देखी हूँ मैं इनकी, फिल्में सीरियल्स जो भी चीजें मैं इनकी बहुत देखी हूँ, बट मैं इनसे सुरेश बैरी इनका नाम यही। और इस मूवी में मेरे फादर का रोल निभा रहे हैं अभी, जिसमें प्रधान जी हैं, और यही होगा कि मेरे पापा बने, इसी का खुशी मुझे बहुत ज्यादा है। हाँ जी मैंने बताया ना, जो शुरू की एक्साइटमेंट जो है वो तो रहती है इंसान में, लेकिन जो एक्साइटमेंट अच्छा बनने के बाद जो होती है वो एक्साइटमेंट की बात ही कुछ और होती है। अच्छी चीज बन गई, अच्छा कैमरामैन मिल गया, अच्छा एक्शन मास्टर मिल गया, अच्छा डांस डायरेक्टर मिल गया, तो चीजें जो निकल के आती हैं वो जो खुशी होती है ना, वो अलग ही खुशी होती है। तब हम जो डिस्कस करेंगे ना, दैट डिस्कशन इज वेरी सेपरेट ऑन अ डिफरेंट लेवल। अभी तो ये कह रही हैं करेंगे, होगा, देखेंगे, हम सोचेंगे, पड़ोसियों की नानी याद दिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अभी वो गुस्सा पे। हमें बहुत खुशी है, हमें बहुत खुशी है कि हम आप लोगों के बीच में आए। सर आप कैसे मैंने बताया ना, मैं कभी भी कुछ भी कर देता हूँ। मेरा जो है, मेरी जिंदगी का कोई फलसफा नहीं, मैं जैसे दिन आता है, मैं रात को ये जब सोता हूँ तो ये पूछता हूँ एक बार कि मैं क्यों पैदा हुआ, तो मुझे जवाब ये मिलता है कि तू परोपकार करने के लिए पैदा हुआ है। परोपकार फलंती वृक्ष, परोपकार दुवंती गर्भ, परोपकार बनती नदियां, परोपकार इधम शरीर। तो परोपकार करने के लिए पैदा, एवरी कड़ी पत्ता भी देता है यार, एक तुलसी का पत्ता भी देता है, वो सिर्फ देता है, लेता कोई तुलसी। तो तुम कुछ देना सीखो, मैं कहता हूँ पूरा जिंदगी मत दो अपनी, अपने कमाई की, अपने कॉन्सेंट्रेशन की, देश के लिए पहले सोचो। देश का एक एक 2%, 1% भी अगर सोच दिया आपने देश का, तो आप सोचिए 140 करोड़ रुपीज 1 रुपए के हिसाब से डेली जमा हो जाएंगे। और उसमें सिर्फ उन्हीं का काम करो जो एक्चुअली मजबूर है, जो एक्चुअली प्रॉब्लम है जिनको, और उसको वो पैसे को नरेंद्र मोदी जी के पास रखना, क्योंकि फिर चोरी नहीं होगा, फिर चोरी नहीं होगा, फिर कोई हाथ नहीं लगा सकता, ना खाएंगे ना खाने देंगे। तो ये उसी के तहत हम जो हैं, एक अच्छी एक फीलिंग लेके आया है बंदा,
काम करने का, तो मैं ये सोचता हूँ चलिए, मैं ये नहीं सोचता हूँ कि ये बड़ा मेकर क्यों नहीं है तो मैं जो इसकी सीढ़ी पर चढ़ के बड़ा बन जाऊंगा, मैं उन चक्रों में नहीं, मैं शुरू से ही तो मैंने 200 फिल्में छोड़ी, कम से कम अप्रोक्सीमेटली 200 फिल्में और टीवी छोड़ी हैं, मैं रैट रेस में हूं ही नहीं। मुझे पूछते हैं आप रेस में क्यों नहीं है, मैंने कहा इसलिए नहीं हूं कि वो टॉर्टोइस है, वो रैबिट है, मैं टॉर्टोइस हूं। तो जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस फैमिली का हूँ, एलिफेंट राइनो और टॉर्टोइस फैमिली का, जो जिसको इसमें कदा सा मेरा विलन का इसमें है, मेरा कदा विलन का है और हमारे सर फ्रेंड भी है, मुलाकात हुई थी 5 साल से बात कर रहे थे आप। हाँ 5 साल से बार मुलाकात हुई है, सब बोल दो फटाफट। देखिए सर इसमें क्या है, 5 साल से मुलाकात हुई थी और बात हुई थी, उसके बाद सर का फोन आया कि सर एक मूवी है आप करोगे, मैंने बोला ठीक है मूवी है तो मैं कर लूँगा। तो मेरा शूट कहाँ पे, बोला गोरखपुर, तो मैं तो बॉम्बे रहता हूँ, तो बोला ठीक है चलो हम कर लेते, उसमें क्या है अच्छी मूवी है तो हाईलाइट कर देंगे इसके लिए। आप गोरखपुर के नहीं मैं सर, सबसे पहले आप लोगों को मैं धन्यवाद चाहता हूँ, मीडिया वाले सब यहाँ जुड़े हुए हैं और मोहित भैया के साथ में पहली बार को मुझे मौका मिला काम करने के लिए और मैं लोहिया की वजह से, तो मैं चाहता हूँ कि मोहित भैया और आगे बढ़ें और हम लोग जैसा एक्टर को हम लोगों को काम मिलते रहे। भारतवासियों को नमस्कार, मेरा नाम विक्की कुमार है और मैं भी गोरखपुर से हूँ और इसमें मेरा किरदार है, मैं राइटर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ, एसोसिएट डायरेक्टर और प्रोड्यूसर। मैं एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ नाना पाटेकर को लेके और कार्तिक हूँ डायरेक्टर है, मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ मेरी ही स्टोरी है रहनुमा, उसकी शुरुआत है इसी साल में, पिक्चर को रिलीज करना है, नाना पाटेकर उसमें रोल बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बाकी हमें सपोर्ट में अच्छे कलाकारों को लिया है, मेरा ऑफिस जो है 38 है सिटी मॉल के अंदर, सब डेडी के चक्कर से मशहूर है, डेडी वन टू है ना जी जी। सर ये रियल कहानी है, इसको जो है हम फिल्मी ड्रामा में कर रहे हैं। ये एक इस मिजाज की है कि जैसे एक लड़का पढ़ाई करके आता है, पढ़ाई करने के आने के बाद जो है वो अपना कुछ सर्च करता है कि मैं कुछ अच्छा चीज करूँगा, अच्छा करूँगा, तो उसको जो है बाद में जो है धीरे धीरे लव होता है, लव के बाद शादी होता है, शादी के बाद जब उसके साथ कोई हादसा होता है तो फिर वो अपने में उलझ जाता है, इस टाइप की है हमारी कहानी। नहीं हमारी दूसरी है, पहली हम तो 5 करके थी, वो उसका डबिंग एडिटिंग चालू है और ये जो है हमारी दूसरी मूवी। हीरो के रूप में हमारी ये पहली फिल्म है और इसके पहले जो किया वो हम तो 5 उसमें सिकट में। सर हमारे में सुदेश बैरी जी हैं और हेमंत पांडे जी हैं और ये शशि जलवंशी हैं, हमारा नाम तो आपको पता ही होगा, बता दीजिए दर्शकों को नहीं पता। अमित कुमार है जी, मैं क्या बोलना चाहेंगे आप इस फिल्म जी? हाँ मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोग ये मूवी देखिए, बहुत ही अच्छी इसकी कहानी स्क्रिप्ट की गई है और आप लोग ये मूवी, मैं सभी दर्शकों से ये बोलूंगी कि ये मूवी देखें और हमें सपोर्ट करें कि हम आगे बढ़े, हमारी मूवी कंप्लीट हो और हम लोग आगे बढ़े। आप अपने किरदार में जी, मैं मेन लीड रोल में हूँ, हीरोइन का है, हीरोइन का रोल है मेरा इसमें। ये हीरोइन का प्ले करेंगे, हम हीरो का प्ले करेंगे, इंटरवल के बाद ये नहीं रहते हैं, इंटरवल से पहले हम दोनों हैं साथ में। तो क्या कहानी होगी इसकी पूरी, किस तरह से होगी? पूरी कहानी यही है कि लव स्टोरी है, एक्शन है, कॉमेडी है, लव स्टोरी तो है इसमें और गाना है सुधाकर शर्मा जी ने दिया है, 3 गाना, 2 रोमांटिक है और जो है एक साइड सॉन्ग है। लोकेशन कहाँ शूटिंग में जा रहे हैं? गोरखपुर सर।
जी पूरी फिल्म गोरखपुर में, जी पूरी फिल्म गोरखपुर में। आपने कहा कि ड्राइवर तो गाड़ी दे रहती है, दूसरी हीरोइन आती है कि वैसे ही रोते रहते हैं आप? नहीं जी, रोते ही रहते हैं क्योंकि हीरोइन का मरना होता है। शशि आपने कहा कि फिल्म के लिए दूसरा पार्ट देखिए, आपने क्या किया, क्या चीज बोल रहे हैं? हाँ जी हाँ, मेरी पहली फिल्म है अभी ये, जोर से मेरी पहली फिल्म है ये, और इसमें मैं हीरोइन का रोल कर मेन लीड रोल कर रही हूँ, और मैं गोरखपुर से हूँ, और ये मैं तो ये कहूँगी कि आप लोगों का सभी का सपोर्ट चाहिए बस, और क्या कि आप लोग सपोर्ट कीजिए हमें, हम आगे बढ़े। और विलन का किरदार निभा रहे हैं अपना, क्या कहते हैं, वो तो प्रधान के रोल में है, वो प्रधान है, हीरोइन के फादर है, और जो हेमंत जी है वो हमारे फादर है, ये दोनों एक सामाजिक व्यक्ति है और अच्छा किरदार है इन लोग का। विलन का जो है इकबाल पठान, यासर पठान, नासिर पठान, यूसुफ पठान, ये वो लोग विलन का जो है, सबसे मेन विलन जो है यासर पठान है। क्योंकि हीरो का ख्वाहिश बाकी रह जाता है ना इसके लिए, जी इसलिए आप जो भी समझिए कि हीरोइन के गांव जा रहे हैं कि वहां का हमारा लोकेशन ही है। नहीं, हमारा पूरा टीम वहीं के है।